बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर को अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साये में पेश किया गया यह दूसरा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों के आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गति शक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए की सरकार, कृषि, विकास, किसान के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर का चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में 130 लाख एमएसएमईज की मदद के लिए सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ का एडिशनल लोन मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगले 5 साल में एमएसएमईज को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यह व्यवस्था भी की जाएगी कि इसका सदुपयोग हो सके। इस बजट में प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना को एक विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेंद्र